हेलो डियर स्टूडेंट्स, देवेंद्र श्रीवास हियर फ्रॉम अरमाइट इंजीनियरिंग कॉलेज। टुडे आवर एक्सपेरिमेंट इज टेस्ट फंक्शनलिटी ऑफ आरएस फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग नैंड गेट्स। ओके, दिस इज द प्रैक्टिकल्स। ए फ्लिप फ्लॉप इज ए सर्किट दैट हैज टू स्टेबल स्टेट्स एंड कैन बी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ए फ्लिप फ्लॉप इज विस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। द सर्किट कैन मेड टू चेंज स्टेट बाय फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, स्टेट बाय सिग्नल अप्लाइड्स और वन और मैनी कंट्रोल इनपुट्स एंड विल हैव वन और टू आउटपुट्स। सो दिस इज द आरएस फ्लिप फ्लॉप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन सर्किट डायग्राम्स। दिस इज द प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम। ओके, दिस इज यूजिंग नॉर गेट, राइट? दिस इज नॉर गेट सर्किट डायग्राम। वी कैन डू टू वे। यहाँ पे मतलब टू मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज नॉर गेट। नॉर गेट को यूज करके हम लोग बना सकते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। एंड सेकेंड मेथड्स नैंड गेट है, राइट? तो नैंड गेट में क्या करेंगे हम लोग कि डायरेक्ट टू नैंड गेट्स को यूज करके डायरेक्टली हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो इसमें फ्लिप फ्लॉप्स में क्या है, यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन टेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक टेबल दिया है। सपोज अगर एस मीन्स एक इनपुट्स है और आर मीन्स वन इनपुट, राइट? टू यहाँ पे टू इनपुट्स है। अगर एस जीरो है और आर भी जीरो है तो मीन्स क्या है कि यहाँ पे चेंज नहीं होगा, राइट? दिस इज नॉर गेट। और यहाँ पे नैंड गेट, नैंड गेट देखो यहाँ पे सेकंड है नैंड गेट। नैंड गेट का आईसी नंबर क्या होता है? 7400। ओके, 7400 दिस इज द आईसी नंबर। एंड इसका जो ट्रू टेबल है, इसका ट्रू टेबल कौन सा है? अगर सपोज 00 है तो यहाँ पे क्या है, रेस आएगा, राइट? और 01 है तो अपना आउटपुट से जो क्यू बार का आउटपुट क्या आएगा? 1। एंड क्यू आउटपुट 0 आएगा, राइट? और 10 यहाँ पे जो इनपुट्स का स्टेट्स है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, दिस इज थर्ड कंडीशन, दिस इज फोर्थ कंडीशन। ओके, सो देर आर टोटल 4 कंडीशंस। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल्स में हम लोग देखेंगे कि देखो लास्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है कि सपोज एस इक्वल टू 0 है और आर इक्वल टू 0। 0 मीन्स लो पावर सप्लाई, ग्राउंड कनेक्टेड। तो यहाँ पे क्यू 0 आना चाहिए और क्यू बार भी 0 आना चाहिए, मीन्स नो चेंज। दिस इज कॉल्ड नो चेंज। एंड 01, तो 01 में क्या आएगा? क्यू 0 एंड क्यू बार इज 1, रिसेट। दिस इज द रिसेट कंडीशन। ओके, एंड 10 प्रोवाइड करेंगे तो 10 में क्या आएगा? यहाँ पे 10 में यहाँ पे आउटपुट 1 एंड क्यू बार सेट, मीन्स ये सेट। दिस इज द सेट कंडीशन, दिस इज सेट कंडीशन, दिस इज डिटरमाइंड कंडीशन। ओके, सो अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आउटपुट्स में। यहाँ पे ऐसे ही है 7400। ओके, 7400 टोटल इसका जो पिन है, पिन टोटल यहाँ पे पिन 14 पिन है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है कि डायरेक्टली पिन वाइज यहाँ पे एक एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे पिन वाइज कैसा है, दिस इज द पिन नंबर 1। ओके, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, पिन नंबर 14 एंड पिन नंबर 7। पिन नंबर 14 इज प्लस बीसीसी, मींस प्लस 5 वोल्ट। पिन नंबर 7 इज ग्राउंड कनेक्टेड। ओके, और यहाँ पे पिन नंबर 1 एंड 2 इज़ द इनपुट्स। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा पिन नंबर 1 से। ओके, तो पिन नंबर 1 से मैं इनपुट यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट। दिस इज़ माय पिन नंबर 1। ओके, तो पिन नंबर 1 से मैंने एक इनपुट कनेक्ट किया, दिस इज़ माय फर्स्ट इनपुट्स। इसको बोलते हैं हम लोग आर, राइट? दिस इज़ माय फर्स्ट इनपुट आर। नेक्स्ट जो इनपुट्स है उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम्स, नेक्स्ट जो इनपुट सेकेंड इनपुट, दिस इज द सेकेंड इनपुट्स। ओके, ये सेकेंड इनपुट्स का जो कनेक्शन है वो हम लोग किस कहाँ पर करेंगे? सेकेंड इनपुट का कनेक्शन जो सेकेंड गेट है, सेकेंड नैंड गेट के आउटपुट से। तो यहाँ पे जो आउटपुट्स है, यहाँ पे दिस इज द, ओके, दिस इज द आउटपुट्स। तो यहाँ पे ये आउटपुट्स में मैंने कनेक्ट किया, ये सेकेंड गेट का आउटपुट से, ये सेकेंड गेट का आउटपुट में यहाँ पे कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अब इस यहाँ पे देखो टोटल ये यहाँ पे
फोर गेट्स होते हैं टोटल वन आईसी में. इन सिंगल आईसी देर आर फोर गेट्स, गेट नंबर वन, गेट नंबर टू, गेट नंबर थ्री, गेट नंबर फोर. गेट नंबर वन इज इनपुट्स कौन सा है, पिन नंबर वन एंड टू इज इनपुट, पिन नंबर थर्ड इज आउटपुट. पिन और गेट नंबर टू का इनपुट से पिन नंबर फोर एंड फाइव इज इनपुट, पिन नंबर सिक्स इज आउटपुट्स. ओके सेम पिन नंबर गेट नंबर थ्री, गेट नंबर थ्री में पिन नंबर थर्टीन एंड ट्वेल्व इज इनपुट एंड इलेवन इज द आउटपुट्स. तो ऐसे सब टोटल फोर गेट्स हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे मैंने ये कनेक्शन हो गया. नेक्स्ट जो कनेक्शन है मेरा, वन मिनट, यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट कनेक्शन, दिस इज आउटपुट, फर्स्ट गेट आउटपुट्स, ये फर्स्ट गेट आउटपुट. ओके तो फर्स्ट गेट आउटपुट्स का कनेक्शंस यहाँ पे इनपुट्स में दूंगा. दिस इज माय इनपुट्स. ओके इनपुट्स हो गया. अभी यहाँ पे मतलब एक और इनपुट्स निकालना है. टोटल टू इनपुट्स हैं राइट. ये कनेक्शंस है ये रहा राइट. अभी टोटल मैंने कनेक्शन कर दिया, इसका भी आउटपुट हम लोग चेक करेंगे. ये दिस इज़ कॉल्ड वायर, जो ये वाला वायर है ये वायर को बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलते हैं एस, एंड दिस इज़ कॉल्ड आर राइट, आर एंड एस. तो अभी आर एस का कनेक्शन करेंगे. देखो ये आर है, तो आर का कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो जीरो कंडीशंस राइट, जीरो एंड दिस इज़ ऑल कॉल्ड जीरो. तो ये जीरो जीरो कंडीशंस में हम लोग चेक करेंगे आउटपुट जीरो जीरो राइट. अब यहाँ पे देता हूँ सप्लाईज. तो देखो जीरो जीरो कंडीशंस में क्या है, नो चेंज. यहाँ पे जीरो जीरो कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं है. सपोज अगर मैं इनपुट्स को अगर प्रोवाइड करता हूँ फर्स्ट गेट का आर, आर अगर जीरो करूँगा तो यहाँ पे मतलब चेंजेस क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे राइट. ये दिस इज माई ऑब्जर्वेशन टेबल, फर्स्ट दिस इज द जीरो जीरो कंडीशन फर्स्ट, तो यहाँ पर नो चेंज. सेकेंड कंडीशन जीरो वन मीन्स आर इक्वल टू वन करना है राइट, आर इक्वल टू वन एंड एस इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे आर, दिस इज कॉल्ड आर वायर, दिस इज आर वायर. ये आर वायर का कनेक्शन में डायरेक्ट वन से करूँगा. ओके ओके तो ये वन से किया. तो देखो यहाँ पे क्यू वार का आउटपुट आ रहा है राइट. कौन सा आ रहा है, क्यू वार. अभी देखो यहाँ पे आउटपुट्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे था क्यू वार राइट. तो क्यू वार का फर्स्ट सेकंड कंडीशन में क्यू वार का आउटपुट आया क्यू वार. एंड थर्ड कंडीशन में क्या है, सेम चेंज करना है, एस इक्वल टू वन एंड आर इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं, ये मैंने यहाँ पे जीरो किया. ओके और फिर उसके बाद में ये कंडीशंस यहाँ इसको चेंज करके यहाँ पे मैंने वन किया. ओके तो देखो इसमें क्या हुआ, क्यू आउटपुट इज़ द वन एंड क्यू आर इज़ द जीरो. ये एलईडी है, दिस एलईडी इज क्यू एंड दिस एलईडी क्यू आर. ओके आउटपुट्स, तो अगर सपोज दोनों का अगर वन वन करूँगा मैं यहाँ पे वन एंड वन राइट. तो वन वन किया राइट. तो ये वन वन की कंडीशन में दोनों एलईडी ग्लो हो रहा है. ओके तो दोनों एलईडी ग्लो हो गया, इसको बोलते हैं ये आउटपुट्स. ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच.